नमस्कार, आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साजिद। आइए आज बात करेंगे मीडिया पे, मीडिया कर्मियों पर, मीडिया चैनलों को जो जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी द्वारा, सत्ताधारी ताकत द्वारा मीडिया पे बार बार प्रहार किया जा रहा है, उसको सताया जा रहा है। मीडिया कर्मियों, पत्रकारों के अंदर एक डर सा बना हुआ है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए कुछ सही लिखने पे या कुछ अच्छा दिखाने पे, ताकि लोग जागरूक हो। किसी को डर है कि कहीं हमें जान से मारने की धमकी ना दी जाए, कहीं हमारा जान ना लिया जाए। इस तरह की घटनाएं पिछले कई सालों से भारत में होती आ रही है। गौरी लंकेश हत्याकांड आप जानते ही होंगे, ये भी पिछले साल हुआ था। इस तरह की घटना पत्रकारों के साथ होती रहती है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रोग्राम का आयोजित किया गया, जिसका नाम है जन हस्तक्षेप, जिसमें कई सारे वरिष्ठ पत्रकार, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर मौजूद थे। आइए हम उन सभी से बात किए, वो क्या कहते हैं, किस तरह से भारत की मीडिया चल रही है, किस तरह से भारत की मीडिया को सत्ताधारी ताकतों द्वारा चलाया जा रहा है। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मूर्खता को संगठित करके सरकार हो जाने का यज्ञ। ये सरकार एक दिन में नहीं आई है, दसियों बीसियों साल की मेहनत, पच्चीसियों साल की मेहनत के बाद आई है। एक ऐसे लक्ष्य को लेकर आई है जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक प्रतिगामी ताकत है, देश को पीछे ले जाने वाली ताकत है। तो मूर्खता को उसने संगठित किया, सरकार हो गई, और आज उस संगठित मूर्खता को उसने जहर के एक बड़े टब में डुबो दिया है। अब आपके सामने ये कौन सा तरीका हो सकता है कि आप लोगों के पास जाएं? पत्रकारिता अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कौन सा रास्ता है, हम कैसे बताएं लोगों को? जाहिर है सरकार बनाना बिगाड़ना हमारा काम नहीं, पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारे जैसे लोग बहुत कुछ कोशिशें करते हैं, उनकी सच्चाई ये है कि उनके पास कहीं से कोई साधन नहीं है। और फिर जिन पर हम बहुत भरोसा करते थे, फेसबुक हो या तमाम, उनका उनके असलियत भी हम देख रहे हैं, वो भी कहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि आपको अगर पत्रकारिता को भी बचाना है तो आपको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, लोगों के पास जाना ही पड़ेगा। और अगर कोई पागल कुत्ता दौड़ा के आपको काटने के लिए दौड़ रहा है तो प्लीज बगल का ईंटा उठाइए, चाहे वो जितना गंदा उसके सर पे दे मारिए। किसी की नौकरी नहीं गई, ये तो पहली बार इतिहास में हो रहा है इस तरह से। इमरजेंसी भी इसके सामने पिद्दी है, क्योंकि इमरजेंसी में सरकार ने कड़ाई की, रोका, तानाशाही की, सब कुछ किया, लेकिन पत्रकार उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके अंदर लड़ने का हौसला था और लड़ने पर उन्हें सम्मान मिलता था। आज आप लड़ेंगे तो आप देशद्रोही करार दिए जाएंगे। आज सुबह वे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी और ऑटो वालों और टैक्सी वालों के बीच जो बातचीत हो रही थी उसको सुन रही थी, और उनमें एक दूसरे को जो बतला रहा था कि ये जो सोनिया गांधी हैं, इनके 345 होटल हैं इटली में। ये बात पक्की जानकारी है और इसमें कोई शक ही नहीं है। किसी एक ने यह कहने की कोशिश की कि डिमोनेटाइजेशन से कितना नुकसान हुआ, और 5 ऑटो वाले उस पर टूट पड़े ये बतलाने के लिए कि डिमोनेटाइजेशन से कितने भ्रष्ट लोगों को नुकसान हुआ। भारत में पिछले कुछ दिनों से मीडिया कर्मियों पर, पत्रकारों पर प्रहार किया जाता है, किसी पूंजीपतियों के द्वारा, किसी पॉलिटिशियन के द्वारा, इसके लिए क्या करना चाहिए? जो प्रहार किया जाता है राजनीतिक वर्ग के द्वारा या कॉरपोरेट जगत के द्वारा, इसका उत्तर उसका विरोध है, और एक प्रतिपक्षी मीडिया खड़ा करना है, जो बहुत कठिन काम है, लेकिन इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। जो आप कॉरपोरेट बोले सर, मीडिया चैनल बोले, जो मालिक है, क्या उसको ये नहीं लगता कि ये हमारा भी, हमें भी, हम भी कहीं ना कहीं नीचे दबते जा रहे हैं? ऐसा लगता है, लेकिन उसका रिश्ता मुनाफे से है। अब जो अभी मीडिया का की मिल्कियत का अंदाज है, उसमें यह मामला सिर्फ अब ये नहीं रह गया है कि उसको अखबार निकालना है, उसको तेल भी बेचना है, सीमेंट भी बेचना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको सरकार की मेहरबानी चाहिए। तो उसके बहुत सारे हित अब शामिल हो गए, वो कारोबारी है, वो सिर्फ मीडिया नहीं चला रहा है। पहले सर अखबार छप के बिकते थे, अब छपने से पहले बिक जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दोनों चीज़ें, छपने से पहले बिकते हैं और दूसरी इच्छा भी है। अभी भारतवर्ष में हम खासकर देखते हैं तो एक विचारधारा भी है जिसमें लोग विश्वास करते हैं, और
और उस वजह से वे जो कर रहे हैं वे कर रहे हैं। सर गोदी मीडिया क्या है सर, एक ट्रेंड है? ये तो जिन्होंने शब्द दिया उनसे पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में ये उस मीडिया के लिए है जो सरकार के गोद में जाकर बैठ गया है या जो कॉरपोरेट जगत की गोद में जाकर बैठ गया है। ये एक शब्द से खेल है जिसमें मीडिया को वॉच डॉग कहा जाता था, तो वॉच डॉग की जगह वो लैप डॉग हो गया है ना, यानी अब उसे सरकार सहलाती है, दुलराती है, कॉरपोरेट जगत का वो दुलारा हो गया है, जबकि उसको भौंकना चाहिए। एक लास्ट सवाल सर, एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि टीवी को टीवी हो गया है। ये सब शब्दों का खेल है। जिसको टीबी हो जाता है वो एक दुखी अवस्था में रहता है, उससे ठीक होना चाहता है। प्रश्न यह है कि कोई इससे ठीक होना चाह रहा है या नहीं। तो इन शब्दों के खेल में ना पड़ते हुए हम जो असलियत है उसको देखने की कोशिश करें। सर भारत की जो मीडिया है अभी कहाँ है, उसका स्थान कहाँ चला गया है? देखिए फ़र्क तो पड़ा है इन कुछ सालों में, जो आप देख सकते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा कांग्रेस के टाइम पे भी मीडिया का हाल बुरा था, पर अब ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है और काफ़ी ज़ोर से सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड एक मुहिम है जिसके बतौर कंट्रोल मीडिया पे बहुत बढ़ गया है। और ज़्यादातर जो प्राइवेट मीडिया भी है एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा मशीन बन गई है। अरे ये तो देखिए, ये तो ट्विटर की भाषा है, पर ये बात इतनी ज़रूर है कि जो मास मीडिया अपनी ज़्यादा खास करके टेलीविज़न में जो है वो एक सरकार की आवाज़ बन चुकी है। सर कुछ दिनों से लगातार मीडिया कर्मियों पे, पत्रकारों पे प्रहार किया जा रहा है, इसके लिए कोई स्टैंड सर? देखिए इस पे ये तो एक सिस्टमैटिक चीज़ है, तभी मैंने आज बात की कि जब तक ऑपोजिशन या बीजेपी सरकार पे प्रेशर नहीं पड़ता है कि मीडिया के प्रोटेक्शन, मीडिया की लॉज के बारे कुछ किया जाए, ये नहीं बदलेगा। इंडिविजुअल जर्नलिस्टिक लेवल पे नहीं बदल सकता है। अगर हम ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये किया है, तो हमें ये भी सवाल पूछना चाहिए, अगर कांग्रेस ये सरकार को रिप्लेस करना चाहती है तो वो क्या करेगी मीडिया फ्रीडम के बारे में?